हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। होपफुली पीपल आर वेरी फाइन एंड ऑल सेट फॉर द डीबीटी एग्जाम टुमारो। सो गाइस, कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ फॉर डीबीटी एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो। क्योंकि डीबीटी एग्जाम कल है, अराउंड द कॉर्नर है, तो मेक श्योर कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखें। मेक श्योर टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपरली करें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम का यूटिलाइजेशन आप प्रॉपरली करेंगे, इट विल बी मेकिंग सेंस। अगर आप दो पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट ए की एंड पार्ट बी की, तो पार्ट बी में क्वेश्चंस को करना इज डैम इजी, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन का लाइक क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ए विल बी टाइम टेकिंग, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एप्टीट्यूड सेक्शन भी रहता है एंड थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा समय बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो अकॉर्डिंग टू मी, सेक्शन ए को आप पहले कर सकते हैं, आफ्टर वर्ड सेक्शन बी को आप फोकस कर सकते हैं। प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी, प्रैक्टिस एंड रिविजन आपका अच्छा होगा। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट की। अगर आपने सही टाइम पर चीज़ों को कर लिया तो इट विल मेक सेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर, मेक श्योर थोड़ा सा समय आपके पास इतना रह जाए कि आप पेपर को पूरा रिवाइज भी कर सके। कई बार कुछ आंसर सबमिट नहीं होते हैं या आपको बाद में जब समझ में आते हैं, तो इनके लिए भी आप फोकस जो है वो कर सके। पेपर जो आपको अटेम्प्ट करना है वो कट ऑफ का भी ध्यान रखना है। लास्ट 2 से 3 ईयर्स की कट ऑफ को उतना एक्यूरेसी लेवल आपको एटलीस्ट मेंटेन करके रखना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिलो नहीं जाना है। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस कंपलसरी, दैट डजंट मीन आपको सब करना है। ऑब्वियसली जो आपको नहीं आता वो आप टच नहीं करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैव सम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑल्सो जो बहुत अच्छी जगह प्लेस हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, उनकी बातों को भी आप ध्यान से सुने एंड वो सारी की सारी चीज़ें फॉलो करें। एडमिट कार्ड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। एक से दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही उसके आंसर पर स्विच कीजिए। सो लेट्स हैव वन मोर लाइक अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जिसमें आप ही के लाइक एक बहुत अच्छे वेल विशर जो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, डीबीटी क्वालिफाइड हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, उनकी भी बातें सुनिए। माइट बी समथिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीश तिवारी। I am a PhD student, first year student at ISC Bangalore. I am a ICMR fellow, but mera 2020 mein DBT JRF bhi cleared tha. Isi ke regarding main aapke saath kuch tip share karta hoon. Sabse pehli baat, panic mat kariye. Exam time pe nervous hona, palpitations hona, anxiety hona bahut common si cheez hai. But wo sare aapke अभी तक की मेहनत को खराब कर देंगी। अभी तक आपने जितने मेहनत की उस पर पानी फेर देंगी अगर आप एंशियस होंगे, एक्साइट होंगे या परेशान होंगे। आपका आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा अगर आपने इन फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं पाया। मेडिटेट करिए, म्यूजिक सुनिए, टहल के आइए, एक्सरसाइज करिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्दी खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए। अच्छे से आपका जो स्लीप वेक शेड्यूल है अगर वो सुधर जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे ठीक होना। बाहर का कुछ मत खाइए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, जूसेस पी लीजिए और अच्छा रिच मिनरल डाइट लीजिए, जिससे आपको एक अच्छा लगे। जब आपको अच्छा लगेगा तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। अब आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे। पहली बात तो आपके पास एक बहुत वाइस्ट वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, आपके पास अच्छी चॉइसेस हैं। आप उन क्वेश्चंस को चूज करिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं। आपका हर टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो सकता, पर कुछ टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग होंगे। जब आप क्वेश्चंस अपने एग्जाम में चूज कर रहे हों तो उन क्वेश्चंस को एक बार फाइनली पेपर पे सबमिट करने से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिए। कहीं आपने कोई गलत सही क्वेश्चन का कोई गलत आंसर तो मार्क नहीं कर दिया, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए एग्जामिनर के वर्ड उसमें, उसके वर्ड के जाल में फंस तो नहीं गए हैं, क्योंकि वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नया मत पढ़िए।
कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप पढ़ लेंगे पर आपका दिमाग रिटेन नहीं कर पाएगा उस नई इन्फॉर्मेशन को। एग्जाम का मकसद आपके दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कराना है, ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एंड आप सब ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ईमानदारी से मेहनत करी है, आप सब बहुत डिजर्विंग है, इस फील्ड में आगे बहुत स्कोप है और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पीएचडी के ऑप्शंस हैं। तो आई वुड जस्ट से गो गेट योर जेआरएफ। यू ऑल आर वेरी डिजर्विंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।